दोस्तों, स्टार प्लस का लोकप्रिय सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है 12 जनवरी 2009 में प्रसारित किया गया था और यह सीरियल काफी लंबे समय से लाखों दर्शकों का खूब मनोरंजन करवाता हुआ नजर आ रहा है। इसका पूरा श्रेय जाता है इसमें नजर आ रहे कलाकारों का। वैसे तो सीरियल में कई कलाकारों ने शो को अलविदा कह दिया है, लेकिन आज हम आपको उन्हीं एक कलाकार से रूबरू करवाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शो के मशहूर किरदार रह चुके छोटे नक्श की, जिन्होंने शो में मासूमियत और चंचलता से दर्शकों का काफी दिल जीता। लेकिन दोस्तों, अब ये छोटा बच्चा काफी बड़ा और हैंडसम हो गया है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में छोटे नक्श का किरदार निभाने वाले बाल अभिनेता का असली नाम शिवांश कोटिया है। शिवांश कोटिया का जन्म 1 मई 2005 को मुंबई में हुआ था और मुंबई से ही ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगर बात करें इनकी एक्टिंग करियर की, तो दोस्तों आपको बता दें, शिवांश कोटिया ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2011 में सब टीवी के शो मिसेस तेंदुगल से की थी और इस शो में इन्होंने छोटे से बच्चे मंदर का किरदार निभाकर खूब सराहना हासिल की थी। इसी शो में इनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा शो में आदित्य भटनागर के किरदार को निभाने का मौका मिला था। लेकिन इन्हें घर घर पहचान मिली है स्टार प्लस के शो सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नक्श का किरदार निभाकर। आपको बता दें, शिवांश कोटिया असल लाइफ में भी नक्श के नाम से ही जाने जाते हैं। अगर बात करें इनके लुक्स की, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि शिवांश कोटिया अब काफी बड़े और हैंडसम हो गए हैं। ये सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरें अपने फैंस को शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसे लगे शिवांश कोटिया, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।